दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा अपडेट लेके आया हूँ जो कि आ रहा है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल अपना एक न्यू डिवाइस लेके आ रहा है जो काफ़ी कमाल का है, जिसका नाम है एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर। आप लोगों ने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर सुना होगा जो कि आप लोग शायद यूज़ भी कर रहे हो आपने से कुछ लोग, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एयर फाइबर की। अब जैसे जियो जो अपना एयर फाइबर लाया था ना, वैसे यहाँ पे एयरटेल का एयर फाइबर है। कैसे काम करेगा, कब मिलेगा और इसका प्राइस, इसका जो प्लान है उसका प्राइस भी लीक हो चुका है, पता चल चुका है कब तक ये मिलने वाला, कैसे ये काम करेगा, सब बताऊंगा आज की वीडियो में। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और अगर आप लोगों के एरिया में जियो का या फिर एयरटेल का फाइबर नहीं है ना, जो तार वाला आता है, अगर वो नहीं है तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाले हैं जो एयर फाइबर वाले डिवाइस हैं। मेरे यहाँ पे खुद अभी एयरटेल या फिर जियो में से किसी का भी फाइबर नहीं है, तो यहाँ पे एयर फाइबर बड़ा तगड़ा काम करने वाला है। किस तरीके से काम करेगा बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आप लोगों की रिक्वेस्ट है, वीडियो की बिल्कुल मत कीजिएगा। अब पहले तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एयर फाइबर आपको मिल रहा है, ये मिलेगा 5G कनेक्टिविटी के साथ में, यानी कि इसमें 5G चलने वाला दबा के, तो टेंशन वाली बात नहीं है, स्पीड बहुत तगड़ी आएगी, बताया जा रहा है कि बहुत बेहतरीन स्पीड आएगी। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं कि इसके बारे में पता कैसे चला। देखिए, इसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है एयरटेल की तरफ से, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि कैसे भी गलती से या कैसे भी पता नहीं, इनकी जो एप्लीकेशन है, इनकी एप्लीकेशन आएगी एयर फाइबर की, एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर की, वो कैसे भी गलती से प्ले स्टोर पर लाइव हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर वो स्पॉट की गई। लोगों ने देखा कि हाँ, इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई, कुछ इमेजेस भी दी गई जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा एयर फाइबर की, है ना, कुछ इमेजेस हैं उस एप्लीकेशन की, वो कैसे काम करने वाली है। और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसका प्लान का जो प्राइस है वो कितना होने वाला है। तो पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि एयर फाइबर होता क्या है। अभी कुछ टाइम पहले इसी साल में जियो ने भी अनाउंस किया था कि वो अपना एयर फाइबर लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द, हो सकता है इस साल के लास्ट तक आ जाए, दिवाली तक आ जाए, पता नहीं कब आएगा, लेकिन वो भी आने वाला है। ये जितने भी एयर फाइबर हैं, एयरटेल का हो या फिर जियो का हो, आपने देखा होगा नॉर्मल जो फाइबर होते हैं, आपके घर में फाइबर केबल आती है, एक बॉक्स होता है उसमें वो कनेक्ट होती है, दैट्स ऑल आप लोग नेट यूज़ करते हैं। लेकिन एयर फाइबर में ऐसा नहीं है। एयर फाइबर में क्या होगा, क्या कि आप लोगों को जो नेट मिलेगा ना, वो मिलेगा बिना किसी फाइबर के, यानी कि आपके घर तक कोई बाहर से तार नहीं आएगा, एक बॉक्स मिलेगा, आपने अपने घर पर रख दिया, उसको प्लग किया, इलेक्ट्रिसिटी में उसका प्लग लगा दिया और दैट्स ऑल आपका काम हो गया। वहाँ से आप लोग वाईफाई यूज़ कर सकते हैं बिना किसी तार से, यानी कि कोई वायर आपके घर में नहीं आएगा, उसको बोलते हैं एयर फाइबर। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ फास्ट इंटरनेट की, तो वो आपको सिर्फ फाइबर से मिल सकता है, यानी कि जो आपके घर में वायर आता है ना, वो वाला सबसे फास्ट इंटरनेट होता है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही काम करने वाला है जैसे कि फाइबर करता, तो वो देखने वाली बात होगी कि एयर फाइबर फाइबर वाला काम करता है नहीं करता। खैर, अब बात कर लेते हैं एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर के बारे में। तो जो एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर है, ये आपके घर में छोटा सा डिवाइस आएगा जिसको आपको रखना है और इलेक्ट्रिसिटी से प्लग कर देना है। अभी जो एप्लीकेशन आई थी प्ले स्टोर पे, इसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स आए थे जो मैं आपको दिखा दूंगा, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन करेगी है। देखिए, आपको अपने फोन में सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, उसके बाद में आप एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल करके ओपन करोगे ना, तो ये सबसे पहले क्या काम करेगी, या आपके आसपास के एरिया में 5G नेटवर्क कवरेज को देखेगी कहाँ पे ज़्यादा है। तो सिंपली होगा क्या, जैसे आप इसको ओपन कर लोगे तो सबसे पहले ये नेटवर्क का जो कवरेज है उसको देखेगी कहाँ पे ज़्यादा है, आपके फोन में एक एरो आ जाएगा। अब अपने फोन को लेकर घूमोगे अपने घर के आसपास थोड़ा बहुत, है ना, तो जहाँ पे भी आपको लगेगा कि हाँ ये एरो यहाँ पे है और वहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी दिखा रहा है 5G नेटवर्क्स की, और वहाँ पे आपको फिर देखना है कि उस डायरेक्शन में कोई विंडो हो, कोई डोर हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि थोड़ा खुला एरिया हो, वहाँ पे आपको अपना जो ये एयर फाइबर होगा, एक्सट्रीम एयर फाइबर एयरटेल वाला, इसको वहाँ पे लगा देना है और वहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रिसिटी प्लग कर देना है, दैट्स ऑल आपका काम हो गया। तो एक तरीके से ये तरीका है उसको लगाने का। लगाने का मतलब ये है कि कहाँ पे उसको इंस्टॉल किया जाए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो फाइबर होता है ना, उसको आप अपने घर में, रूम में, कहीं भी, किधर भी लगवा लो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि तो वायर के थ्रू ही आना है। लेकिन यहाँ पे एयर फाइबर है, और अभी आपको पता है कि एयरटेल या फिर जियो जिसका भी 5G है, पूरी तरीके से पूरे इंडिया में नहीं है, कुछ सिटीज़ में है, और सिटीज़ में पूरी सिटीज़ में नहीं है, कुछ कुछ जगह पर है, कुछ कुछ जगह पर नहीं है। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि आपको सिंपली अपने फ़ोन को लेकर जाना, जहाँ पे स्ट्रेंथ बेहतर है वहाँ पे जाके आपको इसको इंस्टॉल कर देना। ठीक है, सिंपल सा काम हो गया। तो ये तो हो गया उसको इंस्टॉल करने की बात। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंदर आगे और भी क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर कुछ और आपको कनेक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप उसको सिंपली डायरेक्ट अपने केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप वगैरह से, ताकि स्पीड और तेज आए, तो वैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें आपको एक सिम लगाने का पोर्ट भी मिलेगा, इसके अंदर एयरटेल की सिम लगेगी, जिसके अंदर आप रिचार्ज करके अपने एयर फाइबर को चलाने वाले हैं। अब यहाँ पे जितने लीक्स और बातें निकल गई, उसमें ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर 5G तो चलेगा, लेकिन 4G भी आप लोग चला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5G चलेगा, आप 4G भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप ले ही रहे हैं तो 5G चलाएं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट होने वाली है चीज़। अब बात कर लेते हैं इसके प्लान्स की। देखिए, इसका जो प्लान्स है, जो इस एप्लीकेशन के हिसाब से जो कि प्ले स्टोर पर आई थी, हालांकि अभी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं है तो इसको ढूंढने का कोई मतलब नहीं बनता, इसको हटा दिया गया। तो इसका जो प्लान है वो है 6 महीने का, जिसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, 6 महीने का रिचार्ज होगा 2994 का, यानी कि 2994 का।
ये रिचार्ज है, और अगर मैं इसको मंथली में कन्वर्ट करूँ तो बैठेगा 499, यानी कि एक महीने का लगभग 500 रुपये। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि आपको डेटा कितना मिलने वाला, अनलिमिटेड मिलेगा, कुछ लिमिट मिलेगी, अगर लिमिट ही मिलेगी तो कुछ ज़्यादा ही मिलेगी आई थिंक, लेकिन अगर अनलिमिटेड मिलता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको 500 रुपये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्राइस है ना, और बात डिपेंड करेगा कि स्पीड कैसी आ रही है आपके एरिया में। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि बिना किसी वायर के आपके घर तक पहुँच रहा है, और जहाँ पे आपको अच्छे नेटवर्क मिले 5G वहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो काफ़ी बेटर चीज़ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाला है, जिस तरह से ये एप्लीकेशन लाइव हुई प्ले स्टोर पे उसको फिर हटा लिया गया, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर ये जियो से पहले आ गया एयरटेल वाला एयर फाइबर, तो जियो भी सिंपल सी बात है कि बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाला अपने एयर फाइबर को। तो आपके यहाँ पे जिस भी नेटवर्क के 5G सिग्नल अच्छे आते हो, आप उसका एयर फाइबर उस टाइम पे खरीद सकते हैं जबकि दोनों मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। और हाँ, मैं इसके प्राइस के बारे में बताना भूल गया, मैंने आपको रिचार्ज के बारे में बताया, अगर इसके प्राइस की बात करें तो वो तो सामने नहीं आया, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 से 6 हज़ार इस डिवाइस का प्राइस हो सकता है। तो आपका क्या कहना है इस एयर फाइबर के बारे में? और हाँ, मैंने जियो एयर फाइबर के बारे में पहले एक वीडियो क्रिएट की हुई है, उसमें मैंने आपको सारी डिटेल दी। अगर आपको देखना है कि जियो एयर फाइबर कैसा है, क्या है क्या नहीं है, उसका तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि जियो एयर फाइबर क्या है। ये वीडियो आपने देख ही ली है, और काफ़ी बेहतरीन सर्विस आई थिंक होने वाली है इस एयर फाइबर की। एक्चुअली मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इन सब चीज़ों में, जो एयर फाइबर जो भी नए डिवाइस आते हैं ना, मुझे उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं देखने वाला हूँ कि जल्दी से कभी आता है, और अगर जल्दी ही आई गया तो शायद आपका भाई इसको बाय कर ले, और अगर मैंने बाय कर लिया जियो का फिर एयरटेल का जब भी लॉन्च होते हैं अगर मैंने बाय किया तो डेफिनेटली मैं आपको इसकी वीडियो बना के दूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसा डिवाइस है, कैसे काम करता है। लेकिन अभी तो लॉन्च ही नहीं हुआ, तो लॉन्च होगा तो देखी जाएगी, खैर कब लॉन्च होने वाला है उसका भी किसी को पता नहीं है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका क्या कहना है इस एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर के बारे में, और अगर आप जियो एयर फाइबर की वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि एयरटेल एक नया डिवाइस ला रही है जिसका नाम है एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर। चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।